है सिलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग। सिलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग में क्या करने की कोशिश करेंगे, देखिए मान के चलते हैं मेरे पास ये डेटा है, ये ठीक, इस डेटा को सॉर्ट करना है। सेलेक्ट किया गया, अब देखिए मैं सॉर्ट कैसे करूंगा। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया था कि जब भी मैं सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि होल डेटा सेट इज सॉर्टेड नॉट जस्ट सिलेक्टेड कॉलम, मतलब मैं जिस कॉलम को सिलेक्ट कर रखा हूं सिर्फ यही सॉर्ट नहीं होगा, इसके साथ पूरा पूरा इसका डेटा स्वैप ओवर होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, इस बार डेटा सॉर्ट करना चाह रहा हूं वो ये इतने दूर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, जो मैं डेटा सॉर्ट करना चाह रहा हूं मैं चाहता हूं इतने दूर का ही डेटा सॉर्ट, मेरा उसके अलावा जो दूसरे कॉलम्स है उस पे कोई छेड़छाड़ नहीं। क्या करेंगे देखिए, Alt DS जब आप क्लिक करेंगे तो देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, दिख रहा है आपको, इधर एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। हमें करना क्या होगा, देखिए मैं लेने जा रहा हूं कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉर्ट द सिलेक्टेड एरिया ओनली। कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन पे क्लिक किया और अब क्लिक कर देते हैं सॉर्ट पे। ये आपसे पूछेगा कि कॉलम तो है ही, साथ के साथ ये देखिए मैंने करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, चलिए मैंने लगा देता हूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, ओके कीजिए, ओके सॉर्ट, देख लीजिए किसको सॉर्ट किया, इसको डेटा पे कोई इफेक्ट आया नहीं आया, सिर्फ इतने दूर को सॉर्ट किया आपने। तो क्या करेंगे, ऑल डी एस, यहां से रादर देन एक्सपैंड द सिलेक्शन पे क्लिक करने के बजाय आप इस पे क्लिक करें कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन और सॉर्ट, यहां से कर देंगे। ये था आपका सिलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग। आगे बढ़ते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है ऑल्ट डीएफएफ, ये फिल्टर सॉर्टिंग भी कर सकते हैं हम लोग, फिल्टर डिटेल में हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं के लिए बता देता हूं फिल्टर का शॉर्टकट होता है ऑल्ट डीएफएफ, अपना भी यहां पर लग गया। यहां से भी सॉर्टिंग हो सकती है, देखिए ए टू जेड, जेड टू ए या सॉर्ट बाय कलर, देखिए ए टू जेड, जेड टू ए या सॉर्ट बाय कलर, आप यहां से भी सॉर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब जरूरत की चीजें पकड़ते हैं, यहां पे हम करने जा रहे हैं सॉर्ट सेल कलर, फॉन्ट कलर और आइकन सॉर्टिंग, देखते हैं करके इसको, यहां से इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी, ठीक। सेल कलर में मैंने इसको कोई कलर पिक कर दिया और F4 क्लिक करते जाइए, अब जहां जहां आपको चाहिए तो वही कलर वो अप्लाई कर देगा, दिया गया, और कलर पिक कर लेते हैं यहां से, यहां से दूसरा कलर पिक किया आपने और इसको ध्यान में रखते हुए यहां पे ये भी चेंज कर दीजिए ऐसे। करना है सेल कलर सॉर्टिंग, मतलब सेल के कलर के बेस पे सॉर्टिंग, तो दो ऑप्शन है मेरे पास, पहला ऑप्शन आप इस पे राइट क्लिक करें, सॉर्ट पे जाएं, यहां देखिए आ गया ना सॉर्ट, पुट सिलेक्टेड सेल कलर ऑन टॉप, ये भी हो सकता है, या दूसरा सिनेरियो सर यहां रखते हैं ऑल्ट डी एस, अपने आप आ गया यहां पे सॉर्ट बाय कलर, क्या लिखते हैं यहां पे एड लेबल सॉर्ट बाय कलर, वैल्यू ऑन में क्या लेंगे हम लोग सेल कलर, और यहां पे क्या लेंगे मान के चलते हैं ये ग्रीन को टॉप पे रखना है। एक लेवल और ऐड कर रहा हूं इसमें, इस अगेन लिया मैंने सेल का कलर, इस बार मैंने ग्रीन के जगह पे ले लिया येलो और इसको मैं रख दे रहा हूं बॉटम में, अब करिए जरा सॉर्ट, ये समझा सेल कलर सॉर्टिंग। फिर देखते हैं फॉन्ट कलर सॉर्टिंग, अब वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही है सारे, मैं करके दिखा देता हूं, फॉन्ट को मैं डिफॉल्ट कलर पे लेके जाता हूं और कहीं कहीं मैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दे रहा हूं, सबको समझ में आए। यहां पे मैंने क्या किया, कोई फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया गया, ऐसे ले लिया गया फंक्शन की के साथ फोर ऐसे, देखिए मैं यहां से भी राइट क्लिक करके सॉर्ट करूं और यहां पे क्या करूं पुट सिलेक्टेड फॉन्ट कलर ऑन टॉप लगा देगा, या कहानी ऑल्ट डी एस फॉन्ट कलर, यहां पे लेते हैं फॉन्ट कलर सॉर्ट ऑन फॉन्ट कलर, यहां से लेते हैं कलर रेड ऑन टॉप, यहां से हो जाएगा मल्टीपल, अगर टेक्स्ट होते तो मल्टीपल कलर्स को उसके हिसाब से सॉर्ट कर देता। नेक्स्ट चलते हैं आइकन सॉर्टिंग, ये मेरे पास आइकन्स है, इसको भी सॉर्ट करके देखते हैं, क्या करेंगे एड लेबल सैलरी
तो हेडर हो गया उसका, सॉर्ट ऑन, इस बार क्या ले रहे हैं, सेल कलर, सॉरी सेल आइकन। आइकन में मैं चाहता हूं ये जो ग्रीन वाले हैं सबसे टॉप पे रहे, उसके बाद सेल आइकन, उसके बाद रेड वाले उसके साथ में आ जाए, एक लेवल और ऐड करना चाहे तो ऐड करें, अदरवाइज एंड सो ऑन। अब देखिए जरा, ग्रीन रेड एंड सो ऑन। तो ये था आपका सेल कलर, फॉन्ट कलर और आइकन सॉर्टिंग। इतनी बात सबको समझ में आती है? ओके।